नंबर टू हमारे पास जितना डायरेक्शनल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्शनल क्वेश्चन। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होगा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शंस। क्लियर? ये होगा। कैसे होगा? इतना इजी है इन होल ऑफ द फिजिक्स फॉर ऑल प्रॉब्लम्स मोर देन 70%, आई थिंक मे बी मोर देन 80% फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, वन एक्सियल वेक्टर, जो नकली वेक्टर कह सकते हो आप, उनका डायरेक्शन एक्सियल ही रहेगा, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि है ना। तो जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का मतलब हो जाता है एक्सियल। एक्सियल में आपको यही वाले हैं, बस ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा, अल्फा और स्मॉल थीटा। इसमें जब भी करते हैं इनका डायरेक्शन एक्सिस ही होता है, जबकि एक्सिस नहीं है तो ये नकली वेक्टर कह सकते हैं। असली वेक्टर हमारे पास होते हैं तो वो होते हैं पोलर वेक्टर। कैसे वेक्टर होते हैं? इनके दो पोल होते हैं, पोल वन, पोल स्टार्टिंग पॉइंट, और एक तुम्हारे पास ये है एंड पॉइंट। ये दो पोल हो गए, इनको जोड़ दिया तो ये हो गए। इसकी लेंथ को, लेंथ मीन्स आप जानते हैं क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको दी जा रही है, ये है। ऐसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, महक इधर देखिएगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास जब भी कोई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो सपोज करना इसमें सिर्फ दो ही काम होंगे, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। ये कब करोगे? कब करोगे? सेम टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होगी। क्लियर है? पहले बता रहा हूं, बकरी प्लस बकरी इज इक्वल टू बकरी। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा मतलब आप सेम टाइप, जैसे कि फोर्स है, एक फोर्स है, दो फोर्स है, तीन फोर्स है, वेलोसिटी वेलोसिटी है, ऐसे करो। इसमें एक ही आपको सबको पता है, आई थिंक नो नीड टू लर्न इट, पहले से ही लर्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब लोग बोलो जरा, प्लस माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी सेम कैटेगरी का है तब, और जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है टेन फाइव, दैट इज बी साइन थीटा, बोलो जरा, ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर फाई इज एंगल फ्रॉम, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए, और अगर बी से करोगे तो वो फिर बी की जगह ए पुट करेंगे। सारा जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एडिशन का तो है ही रोल, सब्ट्रैक्शन का बहुत है, जितना रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, रैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, सब रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव कंसिडरेशन में आपको माइनस करना है। इसका तरीका क्या करना है? तो रिलेटिव में खास का ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे पास। तो इसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ वैक्टर के यूज़ पर। एक लाइन में बात होगी वैक्टर की, क्या होगी? दोज क्वान्टिटीज एलॉन्ग विच या एलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड वेयर द डायरेक्शन इज गिविन वी विल अप्लाई वेक्टर फार्मूला, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर हैं, तो इसमें एक जो सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होना, और ये काम खत्म हो गया, दिस इज वेरी इजी। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, कब करोगे मल्टीप्लिकेशन और कैसा करोगे मल्टीप्लिकेशन, बात समझ में आ गई। अगर दो वेलोसिटीज हैं, एक कार जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, वो कह रहा ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार बताइएगा। तो इसमें याद करिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो जैसे कहा जाता है, इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक यह है, जैसे कहा जाए वैसे लिखा जाए और वैसे ही फाइंड आउट करा जाए, वैसे ही फाइंड करें। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार, आप यही लिख दीजिएगा, सीधे यहां पर लगा दीजिएगा और काम हो जाएगा, कोई भी मोशन हो।
कोई भी रिलेटिव कितना भी डायरेक्शन हो, कितना भी टिपिकल हो। अब आते हैं असली कहानी पर। दो तरह की रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ, यहाँ एक एक रगड़ा है थोड़ा सा। जितना रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन है वहाँ दो हो सकता। अभी हमारे पास कार और ट्रेन दोनों जिस जमीन पर चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है, लेकिन तब यहाँ पर माइनस होता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म मूव करे, सपोज करो एक एक्सीलेटर पर तुम चल रहे हो या बोट जो है वो रिवर पर चल रहा है। इफ बोट इज मूविंग ऑन द रिवर, सो रिवर इज आल्सो फ्लोइंग, बोट इज सेइंग ऑन दैट वन, तो दोनों का स्पीड वहां पर इवन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एडेड देयर, तो वहां पर ये प्लस हो जाएगा। हो गया जादू, ये काम खत्म हो गया। तो आप याद करिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी में यहां पर एक नोट के साथ इसकी बात खत्म करते हैं, इसको यहां रब कर देते हैं। देखिएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या रिजल्ट समझे, अगर रिलेटिव वेलोसिटी में प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो यहां प्लस हो जाएगा और नहीं तो माइनस का माइनस बना रहेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का यही एक सिंगल फार्मूला है, इसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आपको पता हो जाता है। पूरी फिजिक्स के लिए बात कह रहा हूं मैं। अब आता है तो इस फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें डायरेक्शन आ जाए। अब कम टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में मैंने प्रोडक्ट नहीं करा है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन लिखा है। देखिएगा बहुत डिफरेंस है। जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और होता है, हमें रटा पड़ा हुआ वैसा दिमाग आ जाता है, डॉट क्रॉस ऐसे नहीं। हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी जो विद डायरेक्शन है उनका मल्टीप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब उनकी कैटेगरी डिफरेंट होगी। एक सिंपल सी बात बता रखी है। सपोज करो एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन एक लिखता हूं इफ I इज इक्वल टू 10 एम्पियर करेंट फ्लोस थ्रू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिंग ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक वायर जैसा है उसके इस रेडियस का, इससे करंट फ्लो कर रही है, एक क्वाइल है Having 100 number of turns। क्वेश्चन देखिएगा पूरी फिजिक्स चल रही है आपके पास, जिसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। अब एरिया की बात है, एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न एरिया इज अ वेक्टर, मे बी स्केलर इन सम कंसर्निंग इन मैथमेटिक्स, बट हियर इट इन्वॉल्व डायरेक्शन। सो 100 नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस एंड 10 एम्पियर करेंट फ्लोस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला इन द प्लेन ऑफ क्वाइल। अब क्वेश्चन, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे कर, लग रहा बड़ा भारी क्वेश्चन है। यस इट इज इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है हर बार ये क्वेश्चन आता है। और इसमें एक चीज है, इसलिए मैंने बोला उसको क्वाइल, प्लेन का क्वाइल, क्वाइल जैसे होती है, जैसे मैंने कहा कि ये क्वाइल, सपोज करो दिस इज मोबाइल और ये क्वाइल है, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल हो सकता है ना, ऐसे ऐसे करके लपेट दिया, इसमें ऐसे ऐसे 100 टर्न है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, इसमें ऐसे करंट जा रही है, पाइप है या कोई क्रॉस सेक्शन है, कोई कंडक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में बोलोगे तो मोबाइल का प्लेन तो ये है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। और एरिया, एरिया कैसे होता है, एरिया होता है नॉर्मल टू द सरफेस, जैसे इसका एरिया कहाँ है तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी तरफ है, तो ऐसे होगा। तो इसको समझिएगा ऐसे ही, इसको यहाँ ऐसे पुट करिएगा। अब यहाँ कैसे करोगे, अगर ये चूक हो गई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़रूर आते। सो हियर देखिएगा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, गिविन एरिया, आप ऐसे नहीं लिखोगे, जिसने ऐसे लिखा गलती हो गई। वेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है शुरू से ही लिखने का। अब एरिया हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। और किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, इसको आप तो पाई आर स्क्वायर कर दोगे ना पाई आर स्क्वायर तो कर लेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या करोगे, हम मान लें कि ऐसे है तो हम इसको एरिया वैक्टर हमारा कहाँ हो गया, आई हो गया, हमने एक बार सिखाया था। वैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा यहां पर,
वेक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, अगर आप वेक्टर का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ भर जाए, पढ़ने में समझ में आ जाए, इसमें डायरेक्शन कुछ भी कह रहा है, तो दिमाग में पहले से बना लीजिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में वो कहता है ईस्ट, वो कहता है राइट, वो कहता है एक्स, तो आप इसको एक्स एक्सिस को सबको एक्स कैप या आई कैप डायरेक्शन मान लीजिएगा। वो कहे वेस्ट, वो कहे आपको माइनस एक्स, वो कहे आपको लेफ्ट, तो आप इसको माइनस आई कैप मान लीजिएगा। ऐसे इधर वाई कैप को हम जे कैप मान लें, माइनस वाई कैप को माइनस जे कैप मान लें, और इसको नॉर्थ लिखेंगे और इसको साउथ लिखेंगे। ये डायरेक्शन प्लस जेड लेंगे जो बाहर आ रहा है, ये 90 है, और ये जो प्लस जेड है ये प्लस के कैप है। अप ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, वर्टिकल ले सकते हैं, और ये वाला जो है ऐसे करके ये माइनस जेड कैप ले सकते हैं, माइनस के ले सकते हैं, डेप्थ ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं। अक्सर फिजिक्स में इसको ऐसे भी दिखाया जाता है और इसको क्रॉस से दिखाया जाता है, खासकर मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आना शुरू हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे होगा, हमने जो कि ऐसे दे रखा है, तो प्लेन हमारे पास ये हो गया, ठीक, ये हो गया आई के परपेंडिकुलर, तो ये तो जे वाला प्लेन है फिलहाल, दिख रहा है मैं ऐसे करके, तो हमारे पास यहाँ पर ये तो हो गया आई कैप, और फील्ड कितनी हो गई, फील्ड दे रखा है वैल्यू में हो गई 10 टेस्ला, और डायरेक्शन हो गया हमारे पास, अगर हम इसमें ऐसे लिख दें कि ये डाउनवर्ड है तो वहाँ पर फील्ड ऐसे बनी होगी यहाँ पर, लेकिन ये जे में है तो जे में ऐसे दिखा भी सकता है एरो से, तो हमने कह दिया कि ये माइनस जे, तो माइनस जे लिखेंगे अगर आप डाउन दे रखें। अब क्वेश्चन हमारे पास हो गया, रिजल्ट खाली शो करना है, फार्मूला हमारे पास है, व्हाट द क्वेश्चन इज, क्या पता करना है, क्या पता करना है, द प्लेन ऑफ द क्वाइल है ना, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क, दो चीजें उन्होंने पूछ दी, ठीक है ना। तो टॉर्क, टॉर्क के लिए आपको जैसे ये लिखना है, अब आपको कैसे पता लगेगा आपको ये लिखना है, ये आपको, ये तो फार्मूला है, वेक्टर का क्वेश्चन है, पता कैसे लगेगा, देखिएगा आपको अगर एन का, आई का, ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन लेंगे तो टॉर्क डायमेंशन के बराबर होगा, और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। एक तो डायमेंशन से ही पता लगता है, डायमेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें ये क्रॉस क्यों होगा, तो पूरी फिजिक्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, एक ये कंसिडरेशन और एक वेक्टर की सोच, क्या क्या कि अगर आपको कोई दो वेक्टर गिविन है, ये एम है मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों की कैटेगरी अलग है, इनको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक बकरी है और एक भैंस है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में दो मल्टीप्लिकेशन है, एक डॉट और एक, इसमें एक बात बस रखना है, हाफ लाइन का एक एक सेंटेंस याद रखना है, अगर दो गिविन वेक्टर डिफरेंट कैटेगरी के हैं और जो आंसर चाहिए अगर वो वेक्टर है तो क्रॉस करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, और अगर स्केलर है तो डॉट करना पड़ेगा, एक लाइन आप गिरा लीजिएगा। पूरी फिजिक्स में ये क्वेश्चन अभी आपको, अभी आप जाओगे 45 में आपको दिखाएंगे, हमेशा मोर देन 15 क्वेश्चन होंगे, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स दे रहा हूँ पूरा 20 मिनट्स में, क्या कर सकते हो आप, समझ में आई बात आपको, जो यहाँ पर होगा, आप दो वेक्टर हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, है ना, यू कैन मल्टीप्लाई, एंड इफ द आंसर इज वेक्टर यू हैव टू क्रॉस प्रोडक्ट, कर दिया हमने, आंसर आ गया, समझ में आई ये बात, ये पूरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कम से कम 30% क्वेश्चन सिर्फ इसी बात का है, वेक्टर का। तो ये तुम्हारे पास हमेशा, इसको हटा दे रहा हूँ, अब रह जाता है असली और काम, जो वेक्टर का बड़ा रोल है, जो बड़ा रोल है उसको मैं समझाता हूँ, देखिएगा उसके बिना पूरी फिजिक्स की कोई भी आप क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते, समझने के लिए जो वेक्टर का रोल है वो कहाँ तक है वो बताता हूँ, देखिएगा अभी इसमें वेक्टर में, ठीक, रोल ऑफ वेक्टर इन अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे होगा फिजिक्स, थोड़ा सा ये कम चल रहा है ना, बदल लेते हैं,
ठीक है, इस सबसे जरूरी है बेटा, ये देखिएगा ध्यान से, सबसे जरूरी क्या जरूरी है देखिएगा, मैं बोलता हूँ सिर्फ 8 सेंटेंस, उसके बिना फीस लग नहीं सकती है। फर्स्ट फर्स्ट क्या, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। कोई क्वेश्चन इसके बिना होता ही नहीं है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे तभी तो आपको उसको लिख पाएंगे। वेट है, एम जी है, फिर इसको आई जे जैसा लगे, माइनस के वैसा करिएगा, माइनस के होगा फिलहाल, ये तो होगा कि नहीं होगा, ये तो वैल्यू है। जब आप इसको ऐसे करोगे वेट को, तो आप इसको एम जी लिखोगे और माइनस का के लिखोगे, ऐसे आपको समझना। दूसरा मेरे साथ जल्दी कीजिएगा, टेंशन ऑलवेज, ये पूरी फिजिक्स में एक भी स्टेप इसके अलावा चल ही नहीं सकते। आप इलेक्ट्रोस्टेट कर रहे हैं, मगर एक चार्ज हैंगिंग है तो वेट नीचे लग रहा है, चार्ज रिपेल कर रहे हैं तो डायरेक्शन इधर एक लगा हुआ है, टेंशन ऊपर लगा हुआ है, धागा टंगा हुआ है, कैसे कर सकते हो, कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। तो टेंशन ऑलवेज एक्स, हाँ वेरी गुड, याद है, अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं बोलोगे बेटा, ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रखो। कोई टेंशन चाहता है, वो कहता हम भी नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। तो इसको अभी सिखाते हैं, सपोज करो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इधर हम एक फोर्स से खींच रहे हैं। अब जरा देखना, इधर इधर तो ये फोर्स लगा ही हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कहेगी हमसे भी दूर जाओ, टेंशन हमसे भी दूर जाओ, हो गया काम। अब देखिएगा, अब मान लो कि इसका एम वन है और इसका एम टू है, देखिएगा कनेक्टेड मोशन है। कनेक्टेड मोशन में एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी कोई कनेक्टेड मोशन हो तो इसमें पहले ए निकालने, चूँकि ए कॉमन होगा, उसको कहेंगे नेट फोर्स। एक फार्मूला मैंने रटा रखा है आपको, क्या बोल, नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द मोशन, क्या बोलेंगे अलोंग द मोशन, और क्या बोलेंगे टोटल, टोटल मासेस परफॉर्मिंग मोशन, ये लिखेंगे। अब देखिएगा, जब अब इधर इधर आम इधर मोशन हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक ही तो बचा, ये है F, और मास दोनों मोशन में है, m1 प्लस m2, और डायरेक्शन इधर है, तो आप I लिखोगे, इधर वेक्टर करोगे, ये तो पहला काम हो गया। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, वो कहेगा टेंशन पता करो, कई धागे हैं, कहेगा t1 t2 का रेशियो पता करो, कितना बार इक्वेशन आया है, बड़ा सरल है, आप इसको ऐसे काट दो, फिर काटना बड़ा आसान है, इसे कहते हैं FBD, इसको ऐसे काट दीजिएगा, देखिएगा अगर हम इसको काट दें, इस वाले को काट दें, तो हमारे पास M2 वाले में ये वाला खाली T है और ये हमारे पास M2 है, तो साफ साफ क्या पता लग रहा है कि T इज इक्वल टू एम टू ए है, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर हम दूसरे वाले को देखें, तो दूसरे वाले में इधर हमारे पास फोर्स अप्लाई है और इधर देखिए कटने के बाद कितना क्लियर है, एरो ही तो परेशान करते हैं। अब नेट हमारे पास मोशन इधर है, तो कौन ज़्यादा होगा बताओ, F ज़्यादा होगा, गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर F माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए से ये निकाल लिया, उधर ये निकाल चुके हैं, ऐसे सारे मोशन कर सकते हैं। नंबर थर्ड देखिएगा, इनमें से ये है रिजोल्यूशन के, कौन वेक्टर को हमें कैसे लिखना है, तो ये जो सेंटेंस हैं आठ, इसके जो रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्शन का, कि किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, आते हैं जिसकी आप बहुत बात करते हो, फ्रिक्शन, तो इसको आप ऐसे मत रटिएगा, कैसे रटिएगा, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, सब लोग बोले साथ साथ, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, विस्कस, जो बोले बोले विस्कस इन फ्लूइड्स, ड्रैगिंग, बोले पूरा सेंटेंस, ड्रैगिंग इन गैसेस, ऑलवेज ऑलवेज एक्ट्स ऑन द इंटरफेस, बॉडी पर नहीं लगते, ऑन द इंटरफेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, सबसे खास बात, एंड ओनली कम्स इन एक्शन, हमेशा नहीं होते हैं, ओनली कम्स इन एक्शन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, इसके बिना नहीं होते हैं। इट्स वैल्यू सभी की, कॉमन सेंटेंस है,
इट्स वैल्यू इज सेल्फ एडजस्टिव. सबसे बड़ा सेंटेंस शायद थोड़ा सा दोनों में, इन तीनों में, सेल्फ एडजस्टिव एंड वेरीज कहाँ से कहाँ तक बोलिएगा, एंड वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक. इतना इतना तुम्हारे पास ही पूरी फिजिक्स आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, अवेल कीजिएगा इसको. तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन की बात हो गई, वेट आपने नीचे लगाया, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, इधर आपका मोशन जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ हो गया, इंटरफेस पर, बॉडी पर नहीं, ऐसे करके और लगा लोगे, ठीक है ना. इसको नोट करना है तो नोट कर सकते, क्लिक कर लीजिएगा और आगे, क्योंकि ये सेंटेंस एक साथ चल रहे हैं. अब असली जो काम हमारे पास है इसके बाद जो फ्रिक्शन की है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल रिएक्शन वाले, नंबर फोर, ये जो थर्ड, ऐसे ऐसे आपको ये सेवन चीज़ें एक साथ समझ लें. देखिएगा ये रोल है फिजिक्स का, फिजिक्स में मतलब वेक्टर की हेल्प से समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हम वेक्टर से ही करते हैं. नंबर फोर, रिएक्शन, कितने लोगों को याद है, रिएक्शन को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. क्या लिखोगे इसमें, ऑलवेज एक्स. एक बात और समझ लीजिएगा, मेरे इन छह सेंटेंस में, ये सात सेंटेंस में, सब में एक शब्द कॉमन है, बताओ क्या, ऑलवेज. गुड, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन ऑलवेज एक्स, साथ साथ बोलें, नॉर्मल टू द सरफेस बाई द, इसमें आधा भाई सेंटेंस एक भी वर्ड आप काट नहीं सकते, फिर आपको फंस जाएंगे. ऑलवेज एक्स नॉर्मल टू द सरफेस बाई द सरफेस ऑन द बॉडी. एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो वेट तो नीचे लग रहा है लेकिन सरफेस इस पर जो लगाएगी वो रिएक्शन है. ये नॉर्मल है सरफेस से. मान लो यहाँ पर कोई बॉल है, बॉल पर कोई एक ऑब्जेक्ट हम रोकना है ताकत लगाकर, देखने ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ हम लगा रहे हैं फोर्स, वो ऐसे लगाएंगे, वेट लगेगा ऐसे लेकिन रिएक्शन ऐसे ही लगेगा. फ्रिक्शन हमारे पास ये नीचे खसक रहा है, तो फ्रिक्शन हमारे पास वो ये लगेगा जो म्यू इंटू आर होगा, और आर हमारे पास एफ के बराबर है, तो म्यू इंटू जो अप्लाइड एफ है ऐसे कर देंगे, और फिर फ्रिक्शन को हम एम जी के बराबर कर देंगे. इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को. ये है हमारे पास इसका, ठीक है नहीं. तो रिएक्शन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इस तरह से. अभी दो सेंटेंस और सिंपल हैं जो आप जानते हैं. नंबर फाइव में बोल रहा हूँ, आर्बिट, इसका दूसरा हमारे पास एंड बैलेंसिंग फोर्स. यहाँ पर क्या होता है बोलो जरा नाम, बैलेंसिंग फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लेकिन हमारे पास अगला और बोल सकते हैं, बताइएगा, रेस्टोरिंग फोर्स, किसी को याद हो तो बोलो. रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ होते हैं, सिस्टम में, ऑसिलेशन में, पीरियोडिक मोशन में. पीरियोडिक तो सारे ही होते हैं, ऑसिलेशन में ये होता है. इसका क्या लिखेंगे बताइएगा, नहीं ये कहाँ लगते, कैसे लग, दिखाओगे कैसे, शो करना. ये वाला तो क्लियर था, आप कह सकते हो कि ऐसे हो जाएगा. रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स मीन पॉइंट. याद रखिएगा ये मीन है और वो ऑर्बिट का सेंटर है. जैसे SSM करते हो ना, तो इधर जा रहे हो तो भी फोर्स इधर लग रहा है, और इधर जा रहे हो तो भी इधर लग रहा है. स्प्रिंग वाला जैसे केस था, आप इसको इधर खींच रहे हो तो भी इधर लग रहा है, इधर कंप्रेस कर रहे हो तो भी इधर लग रहा है. टूवर्ड्स मीन रहना है हमेशा, है ना. तो ये तुम्हारे पास, इनमें इसके बिना हम फिजिक्स को समझ नहीं सकते. ये तो था वेक्टर का रूल. थर्ड वाला पॉइंट क्या था जल्दी बताइएगा. मैंने तो थर्ड पॉइंट लिखा था उसमें, वेक्टर के बाद पिक्टोरियल था, वो मैंने कर दिया. एक बात अगर याद करो क्या था, ग्राफ वाले में वाई और एक्स में दे रखा होगा. ये रिलेशन दो अलग प्रॉपर्टीज़ का है, अलग तरह की क्वांटिटीज़ का है, ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस होगा, और अगर डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है तो स्लोप से निकालेंगे जो एम टेन थीटा और वाई अपान एक्स टाइप का होगा, ठीक है. चौथा मैंने क्या बोला,
वेरिएबल वाला, ये वेरिएबल वाला भी इसी के बिल्कुल मिलता हुआ। देखिएगा ये फोर्थ है जो आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा है, वेरिएबल टाइप क्वेश्चंस क्या करना है इसमें, वही से ठीक है ना। बताइएगा जैसे क्वेश्चन में करता हूं बड़ा सिंपल सा, हम अगर आपके लिए लिख दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सेवन, ये क्या चीज लिखा मैंने, एक्स डिस्टेंस है जो टाइम पर तुम्हारे पास डिपेंडेंट होता है, एक्स इस पर डिपेंड कर रहा है। अभी कैसे पता लगे कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक बात और समझिएगा, चाहे वेरिएबल हो चाहे ग्राफ हो, इसमें एक बात तो मैंने कहा फाइंड वेलोसिटी, तो ये पता करना फिर वही है। आप समझिएगा कैसे कर सकते हो, मैंने कहा पता करना है, आप कैसे पता करोगे, एक ही तरीका है डायमेंशन। आपको क्या पता करना है, वेलोसिटी, आपको गिविन क्या है एक्स यानी कि एल, और क्या गिविन है टी यानी कि टाइम। आप कैसे करोगे इसको, एल अपान टी करोगे कि नहीं करोगे, इससे ये पता लग रहा है कि एल अपान टी करेंगे और ये हमारे पास डिवाइड करेंगे। डिवाइड में एक पहला लेटर क्या है डी, और डी माने डिफरेंशिएशन। कितना बढ़िया तरीका हो गया, न रटना न कुछ काम, हो गया डन, इतना अच्छा क्वेश्चन होता है। डी माने डिफरेंशिएशन, तब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपान डी टी करेंगे किसका, एक्स अपान टी कर रहे हो ना, देखो आप यहाँ से देख लिया करो, एक्स अपान टी कर रहे हो, डी एक्स अपान डी टी कर रहे हो, और ये तुम्हारे पास है टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सेवन। ऐसे मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स में कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी रिलेशन गिविन होगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप बताइएगा, आप समझ लो डायमेंशन खाली वही था, एक भी स्टेप उसके बिना चल सकते हो, पहला स्टेप डायमेंशन है, दूसरा अगर चेंज निकालना है तो एरर है, तीसरा अगर वेक्टर वाली बात है तो बिना वेक्टर के कर नहीं सकते, कैसे कर सकते हो, तो ये तुम्हारे पास खेल होता है। और फिर इसको जब करोगे, ये करना आता है, ये अलग टॉपिक एक दिन बताएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जनरली सबको आता है मगर इसमें अभी टाइम नहीं है। तो ये हो जाएगा थ्री पावर ऐसे आती है टी स्क्वायर और सिक्स टी हो गया और ये जीरो हो गया, तो थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी ये वेलोसिटी हो गया। अब जिसमें भी वो कहता दो सेकंड के बाद बताइएगा, चार सेकंड के बाद बताइएगा, हम टी की वैल्यू पुट अप कर देते और आंसर निकाल लेते, एकदम पूरी फेज का ये तैयारी है। ऐसे आपको काम करना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है नहीं, तो ये है। अब असली एक काम जो इन दोनों के बीच में गैप एक गैप है जो अभी हमसे छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, कि मैंने ग्राफ अलग से नहीं बताया, मैंने क्या करा उस क्वेश्चन में ग्राफ का काम हो गया, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो फार्मूला वाला है, तो फार्मूला तो रटना ही है आपको, उसके लिए मैंने एक दो नोट्स दो पेज बनाए हैं, एक स्केलर के फार्मूले एक वेक्टर के फार्मूले अलग करते हुए, उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारा रट जाएगा वो। अब यहाँ पर हमारे पास जो अंतिम वाला बचता है वो क्या बचता है, अंतिम वाला बचता है जो हमारे पास सिक्स टॉपिक है वो बचता है मतलबी फार्मूला। उस तक पहुँचें इसके पहले हमें ग्राफ में जो गैप है उसको मैं पूरा करता हूँ। देखिएगा ग्राफ या वेरिएबल दोनों में जो एक रिलेशन है वो ध्यान रखिएगा, रिलेशन है, रिलेशन अगर इक्वेशन में है तो वेरिएबल यानी कि तो तुम्हारे पास वेरिएबल पर चले जाएंगे, और अगर ये चित्र बना है तो ये ही ग्राफ हो जाता है, तो दोनों में अंतर नहीं है। अगर हम डिवाइड पर काम करते हैं, डिवाइड पर आंसर आता है ना, तो डिवाइड में डी यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर ग्राफ में स्लोप कर, जो यहाँ डिफरेंशिएशन है वही यहाँ पर स्लोप बन जाता है। अगर इनटू पर क्वेश्चन आ रहा है, अगर इनटू पर आंसर आ रहा है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ पर एरिया अंडर कर्व कर लेंगे, एक ही बात तो हो गई, कोई अंतर नहीं दोनों में, तो फिजिक्स का बड़ा पोर्शन तो एक ही जैसा है। अब आते हैं एक और बात पर कि अगर कोई यहाँ पर है, इफ़ रिलेशन इज, चाहे वो ग्राफ का हो चाहे इसका हो, दोनों में ये रिलेशन कैसा है, आप कैसे पता करोगे कि रिलेशन कैसा है, इसके लिए हमारे पास वही बातें हैं जैसे पहला है पावर। देखते हैं कोई रिलेशन बनाना है, प्राइम मिनिस्टर से कोई गरीब की लड़की की शादी थोड़ी हो जाएगी, पावर देखा जाता है, ठीक है ना, पावर है, वाई का पावर अगर वन है
और इधर x का पावर अगर 1 है तो हमारे पास ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता, हाँ इतने साल से आ रहा है ये सीरियल भी, अभी तक पता नहीं लगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है लीनियर, समझी है? ये रिलेशन है इक्वल वाला है, लाइन बनेगी इसको ठीक। तो आपको एक बात बताई थी, क्या 1-1 पावर है तो लाइन हो गया ठीक। दूसरा, अगर y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, या x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये रिश्ता? पैराबोला हो जाएगा। ये रिश्ता क्या हो जाएगा? पैराबोला। ऊपर वाला तो हो गया लीनियर लाइन, ये हो गया पैराबोला ठीक। तीसरी बात है, अगर y है और पावर नीचे है, 1, 2, 3 कुछ भी हो, पूरी फिजिक्स भरी पड़ी है सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले से, सारे फोर्स 1/x² हैं, 1/r² हैं, सारी फील्ड 1/r² हैं, इलेक्ट्रो से लेकर फर्स्ट बुक से लेकर सेकेंड बुक तक अधिकतर फार्मूले 1/r² तो ये सब सारे तुम्हारे पास कैसे हो जाएंगे? कैसे होंगे? हाइपर हाइपरबोलिक हो जाएंगे। जैसे पावर ज़्यादा होगा तो स्टीपर हो जाएंगे, जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये पी ये वाला प्रपोर्शनल टू 1/v है, तो ये पी प्रपोर्शनल टू वी की पावर गामा है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पावर, स्टीपिंग बढ़ती जाएगी। शायद याद हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक वाला, कि वाई इट इज स्टीपर देन आइसोथर्मल। एकदम सीधी सी बात है, यहाँ पावर बढ़ेगा, स्टीपिंग बढ़ेगी, ढाल बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा हाइपरबोलिक में। एक हमारे पास चौथा रिलेशन है, सबसे ज़्यादा है अगर फिजिक्स में तो, एक या तो ये वाला है या लाइन वाला है या फिर ये वाला है। ये वाला है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t या a साइन थीटा, और ये जितना भी पीरियोडिक मोशन है, मैं समझता हूँ कि 40% फिजिक्स में यही है। पीरियोडिक मोशन कहाँ कहाँ होता है, इसका रोल आप जानते हैं, कहाँ? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कंप्लीट मैकेनिकल वेव में, कंप्लीट तुम्हारे पास ऑप्टिक्स वेव में, वेव ऑप्टिक्स में मतलब, और कहाँ पर है बोलो? पूरा का पूरा एसी, सब कुछ इसी में है। 6 चैप्टर ऐसे हैं तो बिल्कुल साइन ग्राफ और कॉसाइन ग्राफ के ही होते, तो बिना इसके यही तो क्वेश्चन आता है, जरा सा यहाँ वहाँ कर दिया, आपसे पूछ दिया फेस बताइएगा, कौन सा फेस आगे है, कौन पीछे लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है कि करेंट लीड कर रहा है। एक्चुअली तुम्हें साइन ग्राफ वहाँ पर पढ़ना है, इफ़ यू कैन रीड द साइन ग्राफ यू कैन डू दैट क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे पास है, इसको मैं यहीं से फिनिश करते हुए अंतिम वाली बात को और यहाँ देता हूँ। हाँ, एक बात यहाँ पर अगर है, लाइन का खींचना, तो इसमें सभी में कोई भी ग्राफ हो, तुम जानते हो सबसे ज़रूरी क्या था? तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ लाइन ये करनी है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी माने किसी भी तरह का, कैसे खींचोगे बोलो? इसमें दो चीज़ें हैं, मैंने दो आपको ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक बताया है? पहला, कहाँ से, ऐसे याद रखेंगे, हिंदी में लिखिएगा आप, कहाँ से शुरू, फिर जब कहाँ से शुरू करेंगे, मान लो पहुँच गए वहाँ से, फिर कैसे शुरू करेंगे, हाउ। ये तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, इसके लिए क्या करना है आपको? एक्स जीरो पर गुड वाई की वैल्यू से इनिशिएट करेंगे। दूसरा, कैसे करेंगे? हाँ, एम देखेंगे और एम में दो केस होंगे, अगर एम पॉजिटिव है ना, तो तुम्हारे पास ये क्या होगा? जीता शे लिखेगा, अटैकिंग लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ये मतलब है कि फिगर हमारे पास ऐसे में ऐसे वाला बनेगा, ये होगा, यानी कि थीटा एक्यूट होगा। कैसे होगा? एक्यूट होगा इतना। और अगर m निगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिफेंडिंग या सरेंडरिंग लाइन है, और यहाँ पर तुम्हारे पास थीटा ग्रेटर देन 90 है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और ऐसे में तुम बिना देखे इसको ऐसे बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो रह गया बनाना लाइन का। अब अगर तुम्हें पैराबोला कहा जाए तो पैराबोला और आसान है। पैराबोला कहाँ से बनाओगे? तो पैराबोला में जिसकी पावर ज़्यादा है, 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है, जिसकी पावर कम है उसके लिए दुआ कर दो, सीधी सी काम हो जाएगा।
दुआ मैंने उधर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये तो इसका रहा, मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है ना। पैराबोला बनाना सबके लिए, मैथ वालों के लिए तो है ही सरल, और आप लोग उससे ज़्यादा सरल कर सकते हैं। देखिएगा मैं एक इक्वेशन अगर ऐसे लिख दूँ, कैसे एक लिख देता हूँ, यू इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। देखिएगा कितनी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ ए वेरिएशन, ये रिश्तेदारी है। बताइए इज इट ए लाइन? नो, क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी में वन वन होता तो लाइन होती, एक तरफ वन पावर है एक तरफ टू पावर है। फिर मैंने कहा ये साइन देखा, बोले हाँ, इक्वल के लेफ्ट वाले को क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस, इधर वेरिएबल एक्स है, इसको एम लिखेंगे, माइनस एम एक्स की पावर टू, और फिर जो कांस्टेंट है आप कैसे बनाना है देखिएगा। पहला कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक टू प्लॉट वेरिएशन, ठीक ओके। फिर आप क्या करोगे कि लिखोगे वेयर फ्रॉम, कहाँ से चालू होगा? तो आपने कहा एक्स जीरो पर, एक्स जीरो पुट अप कर दिया तो वाई क्या आया हमारे पास? प्लस सी आया, तो प्लस सी कहाँ होगा? ऊपर के नीचे? ऊपर। यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारे पास वाई इज इक्वल टू प्लस सी, यहाँ से चालू। दूसरा क्या था हमने बोला? कैसे, हाउ, क्या बताया था इसके लिए? बोलो कैसे शुरू करोगे? एम देखेंगे, एम हमारे पास यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, एम निगेटिव है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया ये वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला। कितना सरल है, वरना ये कठिन जैसा लग सकता है, आपके लिए कोई कठिन नहीं। क्लियर है ना ये बात? ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का कई जगह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा है दे रखा है, तब आपको ऐसे प्लॉट करना है, ठीक। तो इस तरह से तुम्हारे पास हो गया। अब हाइपरबोला का तो बहुत आसान है, पूरी फिजिक्स में ही हाइपरबोला का है, और उसके बाद में हमारे पास मतलब फार्मूले की बात है। साइन कॉस तो पहले से तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। देखिएगा हमारे पास हाइपरबोला, हाइपरबोला में एक क्वेश्चन ले लेते हैं यही वाला। जैसे हम ये कह दें कि इंटेंसिटी ए अपान एक्स स्क्वायर है। बताइएगा अगर ये इंटेंसिटी ऐसे लिखी है, ये इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड और एक्स के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, बताओ ये वेव कैसी होगी, ये सोर्स कैसा होगा? मैंने बार बार बताया स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? वन अपान आर स्क्वायर है, इंटेंसिटी वन अपान एक्स स्क्वायर हो गया। इधर वाई लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी बना दीजिएगा, अपान एक्स स्क्वायर करेंगे, आपको ऐसे करना है। देखिएगा कहाँ शुरू करेंगे, एक्स जीरो पर, वाई कितना है? इनफाइनाइट, तो आप ऐसे कर लेंगे, देखो इनफाइनाइट है तो यहाँ से पैरेलल ले लेंगे, ये बहुत अच्छा तरीका है। और फिर इसको जब एक्स इनफाइनाइट है तो वाई जीरो है, इसके बाद आपको ऐसे 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 कर देना है, यहाँ जाके इसके बल छोड़ देना है, हो गया। तो सारे ग्राफ ऐसे आएंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कठिन तब होता है जब ऐसे बना दिया गया। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वेश्चन इसी का है, इसका अगला क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वायर ये रखा हुआ है और एक वायर ये रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस भी ए पर है, ये डिस्टेंस भी ए पर है, और यहाँ ओरिजिन है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बना दीजिएगा, बड़ा कठिन लगेगा। तो ये तार कैसा जा रहा है? डाउन। मैंने बताया था वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फिजिक्स वाला नहीं, टीचर वाला नहीं, कोचिंग वाला नहीं, अपनी जुगाड़ वाला, मम्मी को टाटा। अब इसमें नीचे जा रहा है, हमें इधर देखना है इस साइड, तो ऊपर की तरफ हो गया, इधर कहीं देखो ऊपर यहाँ से चालू है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। ये वाला तो ऐसे हो जाएगा, कितना सरल है। अब इसकी वजह से देखोगे इधर, तो जिसके नज़दीक देखोगे ये वाला तुम्हारे पास यहाँ से चालू हो गया, इसको छोड़ दें अभी, यहाँ पर आते हैं। इसकी वजह से अब देखोगे ये है अप, आप देखोगे उधर, तो उधर वाला यहाँ से चालू है, और अप वाला इधर से देखोगे ये वाला नीचे से चालू है। अगर ये दोनों नीचे से हैं तो जीरो में कभी नहीं जाएंगे, दोनों निगेटिव हैं, तो ये ग्राफ बन जाएगा। कितना अच्छा ग्राफ है, दोनों पैराबोला है, एक बीच में आधा पैराबोला है और हाइपरबोला के पार्ट है। कितना कठिन क्वेश्चन और कितना बढ़िया जुगाड़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चंस। तो ये तो रह गए ग्राफ का। साइन का आप जानते हो ना, साइन की बात
मैं शॉर्ट में बस यही कह सकता हूँ कि साइन वाला जीरो से चालू होता है, साइन जीरो जीरो है, और कॉस वाला मैक्सिमम से चालू होता है, और आगे पीछे कितना है ये आप समझ सकते हैं, यू नो दैट, कि ये तुम्हारे पास कोसाइन ग्राफ है जो आपको मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। बाकी फेस डिफरेंस और वो सब चीज़ें अलग हैं, वो तुम जानते हो, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले ये इतने आसानी से होते भी नहीं, डाइपोल वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ही पार्ट है, मतलबी फार्मूले का, एक फिजिक्स का ये अंतिम पॉइंट है। अगर आप इस कैप्सूल को प्रिपेयर करेंगे कि आपकी फिजिक्स में कभी आपको हारने नहीं देगा, इवन किसी जगह केमिस्ट्री में भी बहुत सारा हेल्प करेगा ये सारी बातें, ठीक। देखिएगा लास्ट, मैं इसमें दो या तीन मिनट का और सिर्फ एक बचा है, मतलबी फार्मूला। ये वो क्वेश्चन है जिसे अच्छे बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं हुआ, हो सकता है कमज़ोर बच्चों से हो जाए, अगर वो यहाँ देख लेंगे तो कमज़ोर बच्चों का ज़रूर, या कमज़ोर तो कोई होता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है उनका भी हो जाएगा। देखिएगा तो हमारे पास छठवां जो क्वेश्चन होता है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो होता है फिजिक्स में, सिक्स टाइप ऑफ, वो होता है कैसा होता है, मतलबी फार्मूला, ठीक है ना। ये मतलबी फार्मूला मैंने जानबूझ के आपको ऐसे लिखा है ताकि ये दुनिया कैसी है तो आप कहोगे मतलबी है, अपने अपने मतलब की बात करती। तो कोई क्वेश्चन है, सपोज करो एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, जो वेरिएबल, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, जो वेरिएबल यानी फार्मूले में जो वेरिएबल है, जो फार्मूले में है, जो वेरिएबल यानी फार्मूले का, की वैल्यू गिविन नहीं है, उसे डी अटैच करना है, उसी को हटा देना है, एंड जो वेरिएबल एक्स्ट्रा दिया है, जो वेरिएबल एक्स्ट्रा गिविन है उसी से हटाना है, उसी से रिमूव करना है, ये इसकी टेक्निक है। तुम भी जानते हो ये टीचिंग की बात है, ये बुक्स में नहीं है, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, चाहे जितने सारे नाम हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इंडिया लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, ऐसा नहीं है कहीं पर इस क्वेश्चन को कैसे करें, और सबसे अच्छे क्वेश्चन में यही आ जाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल लगता हूँ समझ में आएगा एग्जाम्पल से। रेजिस्टेंस आप जानते हैं, एक वायर होता है अपने के थ्रू होने वाले चार्ज कैरियर्स को गुजरने में अपोज करता है। एक क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड मास रेशियो ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर 1, 2 and 3, 5, दो वायर हैं, उनकी लेंथ का रेशियो और उनकी मास का रेशियो गिवन है। फार्मूले में तो मास पढ़ा ही नहीं, रो एल बाई ए पढ़ा है। अभी देखना आपको ऐसे ही क्वेश्चन जरूर आएगा, उन 40 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिट नहीं हो रहे होंगे और वही छूट जाएंगे, देखिएगा तरीका कैसे करते हैं, ठीक है ना। 3, 5, फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फार्मूला सबको मालूम है, सॉल्यूशन कर रहा हूं, हम जानते हैं भले ना जानते हूं, रो एल बाई ए जानते हैं ना, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और मटेरियल पर, क्लियर। लेंथ गिवन है, अब जरा सुनना, वो कह रहा है मटेरियल सेम, गोली मारो, गोली मारने पर जो बचा है वो ये है। अब जरा हमारी ट्रिक पढ़िएगा, लेंथ का रेशियो गिविन है लेकिन एरिया का कोई डाटा, अब एक तरीका है एरिया को ही हटाना है, अब एरिया को कैसे हटाओगे, मैंने क्या किया, एल को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया वॉल्यूम और मास पांडे कुछ दिख जाएगा तुम्हें, तो जब तुम ये लाइन याद रखोगे तो जरूर दिख जाएगा, ये कैसे आएगा मास,
एरिया है और लेंथ है तो समझ जाओगे वॉल्यूम से आएगा, तो क्लियर है। चलिएगा, तो ये तुम्हारे पास एल स्क्वायर अपान वॉल्यूम आया, वॉल्यूम को मास अपान डेंसिटी कर दिया। तो ये कर दिया हमने मास अपान डेंसिटी। क्या हम डेंसिटी को गोली मार दें? हाँ। चूंकि दोनों मटेरियल सेम है, हमारे पास फार्मूला आ गया एल स्क्वायर अपान एम। बोलिएगा जय हो गई, आपने एक साइंटिस्ट वाला काम कर लिया। जो फार्मूले नहीं भी पता है वो भी खोज कर सकते हो एक जुगाड़ से। जो गिविन है उसको तो ठीक, जो नहीं गिविन है, जो नहीं गिविन है उसी को हटा दो, और जो एक्स्ट्रा गिविन है उसी से हटेगा। कितना बढ़िया तरीका, ये लाइन सोचिएगा, आज तक कभी है ही नहीं, लेकिन एक तरीका है। तो इस तरह से पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस का एक नट सेल में आपको पैकेज बना के रखना, जो आज था, और ऐसे अक्सर मैं कहता रहता हूँ। इस तरह से आप अगर ये दो पेज प्रिपेयर कर लेंगे, आपको कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। और आप भी समझ रहे होगे मेन काम था ये, तो अभी आपको क्या करोगे, देयरफॉर आर वन अपान आर टू, लास्ट में बस इतना सोच लीजिएगा, लेंथ ऊपर है तो ऊपर वाला सीधा बना रहेगा, तो लिखेंगे एल वन अपान एल टू का स्क्वायर, और मास नीचे है तो उल्टा हो जाएगा अपोजिट में, तो एम टू अपान एम वन। और आंसर के लिए आपके सामने है, लेंथ का रेशियो है 1:2, तो 1/2 का स्क्वायर है, मेरे ख्याल से नीचे आता नहीं, दो मिनट की बस लास्ट है, तो 1/2 का ऐसे कर लेते हैं, और एम टू बाई एम वन ये पलट दीजिएगा, 3/5 की जगह 5/3 आएगा, तो 1/4 5/3, तो 5/12 आएगा, और ये तुम्हारा पास आंसर आ जाएगा।